गाजीपुर वाराणसी सीमा के रजवाड़ी पुल के पास मंगलवार की देर रात सैकड़ों प्रवासी मजदूरों के भूख प्यास से बेहाल होने की सूचना भारत जागृति फाउंडेशन को मिली, जिसके बाद इस लॉकडाउन के दौरान गरीबों जरूरतमंदों की सेवा में सैदपुर में पिछले डेढ़ माह से अनवरत लगे हुए भारत जागृति फाउंडेशन के सदस्यों ने अविलंब वहां पहुंचकर सभी मजदूरों से संपर्क किया और उनके जलपान की व्यवस्था की। भारत जागृति फाउंडेशन के अनूप जायसवाल ने बताया कि मंगलवार की रात क्षेत्र में जरूरतमंदों की सेवा के दौरान फाउंडेशन के ही सदस्य डॉक्टर इंद्रेश सिंह ने बताया कि रजवाड़ी पुल के पास सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर जो कई प्रदेशों से पैदल अथवा साइकिल से अपने गंतव्यों की ओर जा रहे हैं, वो भूखे प्यासे बारिश होने के कारण यहां शरण ले रखे हैं। उन्होंने आगे बताया कि उक्त सूचना पर तत्काल फाउंडेशन के सदस्य पहुंचे और बारिश के कारण भीग चुके लोगों को गमछा उपलब्ध कराने के साथ सभी मजदूरों को सैनिटाइजर से हाथ धुलाया, उसके पश्चात बिस्किट पानी दिया, उसके बाद उनके भोजन के लिए तत्काल राशन उपलब्ध कराकर भोजन तैयार कराया और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हुए फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा सभी को भोजन कराया गया। उसके बाद आगे रास्ते के लिए सभी मजदूरों को लाई, नमकीन और गुड़ के पैकेट का वितरण भी किया गया। इस पुनीत कार्य के लिए श्रमिकों ने संस्था के सदस्यों को धन्यवाद देते हुए उनका आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि जो लोग पुल के नीचे स्थान नहीं पा सके थे, उन्हें रजवाड़ी स्थित निर्माणाधीन टोल टैक्स प्लाजा के नीचे सुरक्षित किया गया ताकि बारिश से वो भीगे ना। ज्ञात हो कि भारत जागृति फाउंडेशन पिछले 45 दिनों से लगातार आम जन की सेवा में लगी हुई है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से फाउंडेशन के अध्यक्ष आलोक जायसवाल, भोला गुप्ता, अजय वर्मा, इंद्रेश सिंह, परमानंद सागर, श्रवण यादव, आनंद गुप्ता आदि अन्य लोगों के सहयोग के साथ उपस्थित रहे। नमस्कार मित्रों, भारत जागृति फाउंडेशन का एक छोटा सा सदस्य हूँ, आलोक जायसवाल। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हम लोग अभी प्रवासी भाइयों को भोजन कराए। हम लोग भोजन कराने के बाद, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहा था कि भोजन कराने के बाद गुड़ और लाई में नमकीन मिला के हम लोग लोगों को देंगे, ताकि ये लोग भूख लगने के बाद अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो ये लोग लाई और गुड़ खाकर अपना भूख को मिटा ले। जैसा कि देखिए, भोला भैया लगे हुए हैं, सैदपुर के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, इन्होंने लाई और गुड़ का योगदान दिया है, गुड़ और लाई लगातार वितरित किया जा रहा है। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।